नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में बाबैन गांव है। बाबैन गांव के एक ठाकुर गोपाल सिंह जी किसान हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो राजस्थान में पानी की विकट समस्या है, लोग खारे पानी से और नमकीन पानी से परेशान हैं। एक बार मनुष्य को रोटी ना मिले, अन्न ना मिले, लेकिन जल ना मिले तो जीवन कैसा। इस जल को बचाने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान के गांव से पेयजल की समस्या अभी दूर नहीं हो रही है। पूसा के वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि गोपाल जी समाज में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश के जितने भी प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में गोपाल जी की कार्यशालाएँ चल रही हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं किस तरह से खारे पानी को, जो ज़मीन से पानी निकलता है खारा पानी, उसको पीने योग्य बनाया जाए। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और गोपाल जी क्या क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों लगातार पूरा वीडियो देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे साथ गोपाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कब से ये काम कर रहे हैं। 72 साल के हैं गोपाल जी और मात्र 7वीं तक पढ़े हुए हैं। 7वीं तक पढ़े हुए इस 72 वर्षीय किसान ने जंगल में ये मंगल कर रखा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल है, जंगल में छोटे दो चार कमरे बने हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम और गोबर गैस प्लांट, बस ये छोटा सा आशियाना है। ना कोई चकाचौंध है शहर की, ना कोई आधुनिक तौर तरीके हैं जीवन शैली के, बिल्कुल सीधा साधा ठेस गाँव का, खालिस गांव का ये मैदान है। गांव के मैदान पर छोटा सा फार्म हाउस है, आप देख सकते हैं तमाम लोग गांव के यहाँ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उन लोगों से भी क्या गांव के लोग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ बारिश हुई है, बहुत अधिक बारिश हुई है। इस बारिश के चलते हमें यहाँ इस स्थान पर आने के लिए हमारे और साथी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। हमको घने और जंगलों से और जो बाढ़ के द्वारा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनसे यहाँ आना पड़ा है। रात को हमको भरतपुर के इस गांव में रुकना पड़ा था, खेड़ा देवी सिंह गांव में, और खेड़ा देवी सिंह गांव से हम सुबह निकले हैं 6 बजे और यहाँ 8 बजे आके लगे हैं इस गांव में। हम देख रहे हैं हमारे पास चप्पल जूते हमारे कहीं दूसरी जगह रखे हुए हैं, खेतों में पानियों से हम निकल के आए हैं। और इस जगह को दिखाने के लिए किस तरह से ये जागरूक कर रहे हैं और किस तरह एक नई चेतना का संचार कर रहे हैं राजस्थान के गाँव में। दोस्तों बातचीत करते हैं गोपाल सिंह जी से। जी गोपाल सिंह जी नमस्कार, पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से आपके लिए नमस्कार। सब भाई साहब ये बताइए कि आप ये खारे पानी को किस तरह पीने योग्य बना रहे हैं और कब से ये काम कर रहे हैं, ये बताइए। देखो सर, ये खारे पानी की समस्या तो यहाँ है ही अपने राजस्थान में, सबको पता है जी। लेकिन हमारा जो एरिया है राजस्थान जितना भी है ये सब वर्षा के आधारित है जी जी जी। अगर वर्षा सही होती है तो हमारे यहाँ रामराज है, कोई किसी की कोई ज़रूरत नहीं है जी, न कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत है न किसी साइंटिस्ट की। हम जिस हिसाब से राजस्थान जैसे जीवन शैली जी रहा है वो किसी की केवल अपने बाहुबल से जी सकता है, अगर इंद्रदेव अगर साथ दे वर्षा हो तो। वर्षा को ऐसा है, हम जैसे खेत का पानी खेत में, कूड़ का पानी कूड़ में, गाँव का पानी गाँव में जी। तो इसको सोच के हमने क्या है कि ये बोरवेल और कुएं जो अपने हैं, पुराने जो कुएं बने हुए हैं, इनमें वर्षा के पानी को सिंचित करते हैं जी 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 जी। वर्षा के पानी को स्रोत में डालते हैं। स्रोत में डालने से क्या है, कड़वा पानी है, खारी पानी है हमारे यहाँ, और खेती योग्य नहीं है, बहुत कम पानी है खेती योग्य। अच्छा, जो पीछे हम आपका ये तालाब देख रहे हैं हमारे बराबर में, आप दोस्तों स्क्रीन पर देखेंगे, आप हमारे बराबर में स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तालाब इन्होंने तैयार किया है। कितना ये गहरा तालाब है आपका? करीब ये 18-20 फीट गहरा है। और कितना चौड़ा है? और ये 100-120 फीट लंबा है और 60 फीट चौड़ा है। कब इसको तैयार किया था आपने? ये 2010 में तैयार किया था। तो इसको कोई सरकारी सहायता मिली थी इस तालाब को तैयार करने के लिए आपको? ये खोदने के बाद में सरकार ने जब देखा, ये कृषि पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आते हैं, तो उन्होंने ये उस समय ये योजना चली थी 2010 में जी, इसकी उसमें हमें 24,600 रुपये का अनुदान मिला है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसमें आप इसमें जल स्रोत बना रखा है, नीचे बोर कर रखा है, यानी बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है,
उसके बाद कितने समय के बाद इससे पानी अच्छा निकाल सकते हैं आप? देखो मेरे यहाँ 25 बीघा जमीन है, इसके बीच में ये मैंने फार्म पॉइंट बनाया है जी, तो ये केवल पानी के सुधारने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा अच्छा, अच्छा। पानी का सुधार ये, इसमें दो बोरवेल कटवाए हमने जी, एक 90 फीट है एक करीब 70 फीट है जी जी जी, तो इन दोनों स्रोतों को हम पानी पिलाते हैं। अच्छा, वर्षा का जितना भी पानी है मैं एक बूंद पानी निकल के नहीं जाने देता हूँ, इसी में जाने देते हैं सब, इसी में अपना स्टोरेज करता हूँ। और जब इसको 2 महीने बाद कभी भी निकाल लो इसको पानी, ये बिल्कुल शुद्ध निकलेगा। इससे हमें कई फायदे हैं जी, एक तो फायदा सबसे बड़ा है हमारी जमीन जो बिगड़ गई है खारे पानी से जी, उसका पूरा पूरा सुधार इससे हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इस पानी से आप और क्या इमरजेंसी में क्या काम कर सकते हैं, कितने लोगों, कुछ लोगों को पानी पिला सकते हैं, कैसे कितना भरपाई कर सकते हैं? ये पानी अगर वर्षा न हो जी, और पानी अगर नहीं पड़ पाए जी, और पेयजल का संकट आए, तो मेरे पास इतना पानी है कि मैं पूरे गांव को 1 साल मीठा पानी पिला सकता हूं। अच्छा, पूरे 1 साल गांव के लोगों को पानी, 1 साल गांव के लिए मेरे पास इतना पानी का स्टोरेज स्रोत में है। जी 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 जी, तो आपने इस अपने गांव के अलावा, अपने इस फार्म के अलावा भी कुछ अन्य स्थानों पर लोगों को इस तरह जागरूक करने का प्रयास किया है? हाँ, पूरे हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में जी, गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, मुझे कई जगह, कोई भी प्रांत नहीं रहा है जहाँ मैं नहीं गया हूँ और किसानों को जागरूक नहीं किया है। जाते रहते हैं समय समय? जाता रहता हूँ, जब मुझे कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो एक कृषि वाले ले जाते हैं, सरकारी अधिकारी अपने खर्चा पे, और मैं जाता हूँ, किसानों को जागरूक करने का मेरा काम है। अच्छा, गाँव के कुछ लोग और भी जागरूक हुए हैं आपके गाँव में, आसपास के गाँव के लोगों ने भी जल स्रोत बनाए हैं ऐसे प्राकृतिक? हाँ, अब तो कुछ सुधार है गाँव में, अब के ये जो वर्षा हुई है सब गांव के जितने भी बोरवेल हैं सब गांव वाले ने खोल दिए हैं, देख देख के सब सुधार होता है। अच्छा, हाँ, तो लोग जागरूक होते हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, हमारे गांव में भी हो रहे हैं, आसपास तो बहुत जागरूक हैं लोग जी, पौधे लगाने को, या राजस्थान में अब ये रोजमर्रा की बोने वाली काटने वाली फसलें, इनमें कभी उगा नहीं, वर्षा नहीं हुई, कुछ हुआ, इस वजह से मेरा रुझान है कि धरती माता है, इसका श्रृंगार है पौधा। अच्छा, ये बताइए गोपाल जी, आप 72-73 साल के हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ाई भी नहीं की, कोई अच्छे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में भी नहीं पढ़े, आपको ये चेतना कैसे आई, किस तरह से आपने ये काम क्यों किया, आपने ये प्राकृतिक जल स्रोत बनाने का? देखो ये तो 1986 में हमने एक पुस्तक पढ़ी थी गौ जी, उसमें ये गौ आधारित खेती करने का पूरा प्रयोग दिया हुआ था। अच्छा, वो उसी दिन से मेरे जहन में था। तभी से आपको, यानी गौ पर एक पुस्तक आपने 86 में देखी, हाँ, और गौ आधारित खेती करने का, तभी आपके अंदर इस चेतना का जागरण हुआ था। हाँ, तब तो पानी की और भी समस्या होगी उस समय? तो नहीं, उस समय समस्या जब हमने आंखें खोली वो संभाला, उस समय वर्षा समय से होती थी। अच्छा, सब काम समय से था, किसान को कोई ऐसी खास परेशानी नहीं आती थी, जो तो अकाल जवाल होते हैं जी, चलता जी, ही जी, रहता है जी, पर उस समय हमें जब हमने आँख खोली उस समय हमने देखा कि ये पानी की ज़रूरत है। जी 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 जी, ज़रूरत है, तो उसको हमने स्रोत में, ये जैसे आप लोग जैसे पढ़े लिखे विद्वानों ने बताया कि इसको स्टोरेज किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है, तो हमने ये मैदान में प्रैक्टिकल किया इसका। जी जी जी, प्रैक्टिकल में हमें पहले साल में ही लाभ मिला। तो आपने इसमें से कभी पानी निकाला है, इमरजेंसी में कभी जरूरत भी पड़ी है, आपने स्रोत से पानी भी निकाला है? हाँ बिल्कुल, निकालते हैं। अच्छा अच्छा, इसी से हमारी ये गौ है या खारी पानी है जी, करीब 30 गौवंश हैं मेरे पास, देसी गौ रखता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इन सबको यहाँ इनके लिए स्टॉक रखता हूँ, इनके लिए स्टॉक रखते हैं। तो और गांव के लोग आपके, आपको कुछ उत्साहित करते हैं, कुछ आपका सहयोग करते हैं कि नहीं करते गांव के लोग? गांव का तो कोई सहयोग नहीं है, मैं ही खुद सहयोग करने फिर रहा हूँ गाँव का, लेकिन कौन सुनता है आज? कोई नहीं सुनता, नई पीढ़ी के लोग इसकी नहीं सुनते, नई बात समझ में नहीं आती। नई पीढ़ी का रुझान है केवल नौकरी करने का, नौकरी करने, पढ़ के नौकरी करो, खेती करने का, किसी का कोई किसान का बेटा नहीं, ये नहीं चाहेगा कि मैं खेती करूं। हम आपके गांव में देख रहे थे, राजस्थान सरकार ने जगह जगह गांव में ये आरओ प्लांट लगा दिए हैं गांव को पीने के लिए, लेकिन हमने आपके गांव में देखा था आपका आरओ प्लांट बंद पड़ा है, उस पर ताला लटका हुआ है, ऐसे में तो और भी समस्या हो रही हो खारे पानी पीने वाले लोग ज्यादा। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए चलिए, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जरा बात करते हैं गाँव के। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप जरा खड़े हो जाइए थोड़ा सा, और ये जो गोपाल सिंह जी जो काम कर रहे हैं, हाँ, ये क्या, इससे कुछ लाभ हो रहा है, कुछ है बढ़िया काम, ये क्या ये वैसे ही कर रहे हैं इधर उधर? नहीं, काफ़ी लाभ हो रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है, यहाँ पे आते हैं सभी लोग, देखते अच्छा, हैं कि गोबर गैस प्लांट से कैसे उसको सारे उसको यूज़ करते हैं, उसका जो वेस्टेज है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसका खेती में क्या यूज है,
घर के लिए जैसे गैस चला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं जी, जी, तो जी। वो सब लोगों को देख के उसको उससे प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी ऐसा करें। तो दोस्तों आपने देखा कि गोपाल सिंह जी जो काम कर रहे हैं वो एक नज़ीर देने योग्य है, और यदि गांव-गांव में इस तरह के एक एक गोपाल जी पैदा हो जाएं या नई पीढ़ी के लोग कुछ ऐसा करने लगें तो राजस्थान के गांव की दशा और दिशा बदल सकती है। यह एक प्राकृतिक माध्यम है, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए सरकार से भी इसमें सहायता मिल सकती है, और जो खारे पानी की समस्या है उससे निजात मिल सकती है। ये भी हम आपको इस तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।